डियर स्टूडेंट्स, आज की इस ई क्लास में हम औद्योगिक क्रांति के परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। औद्योगिक क्रांति के कई प्रकार के परिणाम हुए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक परिणाम। अगर हम आर्थिक परिणामों के बारे में जानें, बात करें, तो सबसे पहला परिणाम औद्योगिक क्रांति का यह हुआ कि अब कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में उत्पादन में असाधारण रूप से वृद्धि हुई। पहले जितने एकड़ में अनाज का या किसी और चीज़ का उत्पादन होता था, अब नए तरीके से खेती करने की वजह से उस उत्पादन में भी वृद्धि हुई और कारखानों में मशीनों के विकास होने से वहाँ भी वस्तुओं के उत्पादन में ज़्यादा तेजी आई। दूसरा इसका परिणाम यह रहा कि क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक बढ़ गया, बड़े बड़े कारखाने लगने लगे, तो उसके लिए अधिक पूंजी की भी ज़रूरत होती थी और उस पूंजी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पूरे यूरोप में और विशेषकर इंग्लैंड में कई बैंकों की स्थापना की गई, जो उसमें से कुछ प्राइवेट बैंक भी थे और कुछ सरकारी बैंक भी। और इसके साथ साथ ही मुद्रा में सुधार भी हुआ और मुद्रा का विकास भी हुआ। इसका एक परिणाम, तीसरा परिणाम जिसे हम कह सकते हैं, वो यह भी हुआ कि अब कुटीर उद्योगों का धीरे धीरे विनाश होने लगा। हम देखते हैं कि जैसे जैसे औद्योगिकीकरण बढ़ा, मनुष्य के काम करने की जगह मशीनों ने ले ली, उनसे उत्पादन भी बढ़ने लगा और ज़्यादा कारखाने स्थापित होने लगे, उद्योग शहरों में स्थापित होने लगे। कृषि अब उतना ज़्यादा लाभ का सौदा नहीं रही, इसलिए किसानों का भी मजदूर बनकर कारखानों की ओर पलायन हुआ। इन सारे घटनाक्रमों का परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे गांवों में छोटी जगहों पर जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, कुटीर उद्योग थे, वो उद्योग नष्ट होते गए और कारखाना पद्धति की वजह से उद्योगों का विकास होता गया। एक परिणाम इसका यह भी निकला कि अब औद्योगिक पूंजीवाद का विकास हुआ। इससे पहले जितनी भी बड़ी मात्रा में यदि कहीं धन का प्रवाह होता था या धन का इन्वेस्टमेंट होता था, वो कृषि या व्यापार होता था, लेकिन अब पहली बार ज़्यादा कारखानों की वजह से, उद्योगों की वजह से देश में जो भी पूंजी इकट्ठी होती थी, वो पूंजी नए नए कारखाने बनाने में, खनन उद्योग में, लोहा उद्योग में, शिपिंग उद्योग में, इनमें इस्तेमाल की जाने लगी। क्योंकि सभी लोगों को ये समझ में आने लग गया कि जितना अधिक उद्योगों में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, निवेश करेंगे, उतना अधिक उन्हें फ़ायदा मिलेगा। एक परिणाम यह भी निकला कि यातायात के साधनों का बहुत तेज़ी से विकास हुआ, जैसे सड़क, रेलवे, नहरें। अब इंग्लैंड में बड़ी बड़ी जहाज कंपनियों का, शिपिंग कंपनियों का भी, कि उनकी भी स्थापना हुई, उनका निर्माण होने लगा। और आखिरी आर्थिक परिणाम हम कह सकते हैं वो था संचार के साधनों में विकास। क्योंकि व्यापार इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था और आपस में उसके लिए द्रुत गति के संचार साधनों की भी ज़रूरत थी, तो सड़कों का विकास हुआ ताकि एक स्थान से सूचना या जो शेयर की कीमत है उसके बारे में सूचना दूसरे स्थान पर तेज़ी से पहुंच सके। और साथ ही तार का भी विकास हुआ, तार व्यवस्था, जिसमें मोर्स कोड के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाएं पहुंचाई जाती थी। तो ये तो हुए औद्योगिक क्रांति के आर्थिक परिणाम। अब हम बात करते हैं सामाजिक परिणामों की। जैसे कि हम देखते हैं मानव सभ्यता में जब कभी भी किसी भी चीज़ का अधिशेष हुआ है, यानी अधिक उत्पादन होने लगा है, अधिक लाभ होने लगा है, तो वहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि अवश्य होती है। तो इसी तरह से औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में भी हम देखते हैं कि जैसे कृषि उत्पादन बढ़ा, मनुष्य की आय के साधन बढ़े, वैसे वैसे ही जनसंख्या में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई। दूसरा परिणाम, सामाजिक परिणाम यह निकला
कि नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। उससे पहले के कृषि आधारित समाज में हम देखते हैं कि ये एक सामंत वर्ग होता था, राजा का वर्ग होता था, वो एक किसानों का वर्ग होता था। आमतौर पर यही तीन वर्ग, और ज़्यादा हम करें तो एक चौथा धार्मिक वर्ग होता था। लेकिन अब दो नए वर्ग उभर कर आए इस औद्योगिक क्रांति के बाद, जिनमें एक था पूंजीपति वर्ग और दूसरा था सर्वहारा या मजदूर वर्ग। एक परिणाम इसका यह भी हुआ कि अब श्रमिकों की स्थिति दयनीय होने लगी, क्योंकि पहले जब वो एक कृषक के तौर पर सामंतों के यहाँ काम करते थे तो किसान और सामंत का, क्योंकि एक ही जगह पर एक ही गांव में वो रहते थे, तो कहीं ना कहीं उनमें एक मानवीय संबंध भी बना रहता था और एक दूसरे की वो सहायता भी करते थे। अकाल पड़ने पर कर्जों में माफ़ी भी होती थी या और प्रकार की सहायता भी दी जाती थी, तो इस प्रकार से उनमें एक मानवीय संबंध विकसित हो रखा था कई सदियों से उसी जगह पर रहने की वजह से, और उनमें एक आंतरिक अंतर्निर्भरता भी थी कि यदि जो सामंत है वो अपने कृषकों का ध्यान रखेगा तो सामंत की ही पूंजी में वृद्धि होगी, और जो कृषक है यदि सामंत के साथ अपनी बात बनाकर अपना काम बनाकर चलेगा तो उसको भी जीवन में शांति रहेगी और उसको सुख मिलेगा। लेकिन अब क्योंकि शहरों में नए नए कारखानों की स्थापना हुई थी, वहाँ पर छोटे छोटे गाँव से नगरों से विस्थापित होकर आए हुए लोग थे, तो ना तो वो पूंजीपति को जानते थे, ना पूंजीपति उनके प्रति कोई मानवीय दृष्टिकोण रखता था। तो ऐसे में, और इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं होती थी कि आज अगर काम मिला है तो कल भी वह काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ऐसे में जिस दिन काम मिलता था उस दिन मजदूर के पेट भरता था, और वरना उसे आधे पेट या भूखे पेट भी सोना पड़ता था। और इसके अतिरिक्त कारखानों में जब कोई हादसे हो जाते या किसी प्रकार की दुर्घटना या नुकसान हो जाता तो ऐसे में मजदूरों के पास उसकी भरपाई का कोई भी साधन नहीं था। जो पूंजीपति थे, नए उद्योगपति, वो उनकी यानी मजदूरों की दशा या उनकी ज़रूरतों के लिए के प्रति पूरी तरह से विमुख रहते थे या उनकी तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देते थे। तो ये है औद्योगिक क्रांति के आर्थिक और सामाजिक परिणाम। अगले ई लेक्चर में हम औद्योगिक क्रांति के राजनीतिक और वैचारिक परिणामों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।